हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग लेकर के नया टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और एनसीईआरटी 2 का फर्स्ट यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सर। ओके, उसके साथ साथ एनसीईआरटी 1 भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और जी, इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। ओके, तो आज टोटल पैराग्राफ है सर हमारे पास 14 एंड टोटल क्वेश्चंस है हमारे पास 20। तो सर वेटेज देख लें तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एनसीईआरटी 2 का, ये और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो 2020 की बात करें तो 4 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, 21 में 2 आए थे, 22 में 5 और 23 में भी 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से बने थे। तो सर मूव करते हैं पिरामिड की तरफ। तो पिरामिड बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका 77, 89, 83, 88, 71, 75, 76, 91 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सर मूव करते हैं। तो पहला पैराग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए रीसेंट ईयर में पूछा गया है 20 और 22 में। तो सर पहला पैराग्राफ बताया गया है मेंडल के बारे में कि उन्होंने कंडक्ट किया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस पे किया था, तो गार्डन पीस पे, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सताइवम। कितने साल किया था, 7 ईयर्स, 56 से 63, 1856 से 1863। तो फिर उसके बाद मेंडल ने क्या सेलेक्ट किया था, तो मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट की वेराइटीज। किसमें ली थी, पेयर्स में ली थी, ठीक है, वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। एक ही कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट उन्होंने लिए थे, जैसे कि स्टेम हाइट, तो स्टेम लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है, टॉल एंड ड्रॉफ, फ्लावर कलर वायलेट व्हाइट, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल, पॉट का शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, पॉट कलर ग्रीन एंड येलो, सीड का शेप राउंड एंड रिंकल, सीड कलर येलो एंड ग्रीन। तो ये सारे कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे, कैरेक्टर्स ये थे और ट्रेट ये थे। तो कैरेक्टर्स पूछेंगे तो 7, ट्रेट्स पूछेगा तो 14। तो सर क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स। तो ट्रू ब्रीडिंग मतलब ये अपने ऑफस्प्रिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है सेम टाइप के ही प्रोड्यूस करेंगे, जैसे होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव। जब भी इनकी सेल्फिंग की जाएगी तो हमेशा टॉल और ये हमेशा डॉफ। तो ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैराइटीज पूछी गई हैं यहाँ पर, तो ये कितनी होंगी, 14, जैसा मैम ने आपको बताया कि सेलेक्टेड एज पेयर्स, तो 14 विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। नेक्स्ट है सर हमारे पास पैराग्राफ, द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स दैट वर डॉफ वर 1/4 ऑफ द F2 प्लांट्स व्हाइल 3/4 ऑफ द F2 प्लांट्स वर टॉल। तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, ये यहाँ पर प्योर ब्रीडिंग टॉल और प्योर ब्रीडिंग डॉफ लिया गया। फिर F1 जनरेशन में क्या था, सिर्फ टॉल थे, और उसके बाद फिर F2 जनरेशन में जब इनकी सेल्फिंग की गई तो ये दो तरीके के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, एक मेल गैमेट्स रिप्रेजेंट करेगा एक फीमेल, तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो वही लिखा हुआ, प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट्स दैट वर डॉफ वर 1/4, 1/4 इसमें कैसे हैं, और 3/4 ऑफ द प्लांट्स वर टॉल, और 3/4 कैसे हैं, टॉल। तो फिनोटिपिक रेशियो अगर देखा जाए यहाँ पर तो कितना आएगा, 3:1, 3 लंबे और 1 ड्वार्फ है। लेकिन अगर इसी का जीनोटिपिक रेशियो की बात की जाए जीनोटाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पर, तो 1:2:1, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हेटरोजाइगस कंडीशन 2 है, तो 1:2:1। नेक्स्ट है सर हमारे पास, जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स, जिसको मेंडल ने बोला था फैक्टर, क्योंकि उस समय उनको पता नहीं था उनके बारे में। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, एक जीन पे दो एलील्स, एक ही जीन के दो एलील्स होते हैं, तो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आ किसकी वजह से रहा था, एलील्स की वजह से। तो सर क्वेश्चन है हमारे पास, एलील्स आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ अ जीन, जैसे कि जीन हमारे पास जैसे कि हाइट, टॉल एंड ड्रॉफ क्या है उसके, एलील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पैराग्राफ है सर हमारे पास, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, हेटरोजाइगस दिया हुआ है, हेटरोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी जैसे हो गया,
द प्रोडक्शन ऑफ गैमिट्स बाय द पेरेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट्स द एफ1 एफ2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम कॉल्ड पनेट स्क्वायर। तो यहाँ पे पनेट स्क्वायर के बारे में बताया गया। पनेट स्क्वायर जो था ये ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट सी रेगिनल्ड पनेट उन्होंने बताया था इसके बारे में। और ये पनेट स्क्वायर होता क्या है, ये पनेट स्क्वायर इस तरह का स्क्वायर होगा, इधर गैमिट्स लिखे जाएंगे मेल एंड फीमेल गैमिट्स। और ये किसके लिए होता बेसिकली है, तो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ऑफस्प्रिंग्स में क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कौन से जीनोटाइप की क्या प्रोबेबिलिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर कैपिटल टी ये 1/4 हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी की बात की जाए तो ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो गए, ये कितने हुए 2/4, 4 में से 2। और ये स्मॉल टी ये होमोजाइगस रिसेसिव। तो अगर तुम्हें जैसे दिया जाए कि सपोज 160 प्लांट्स थे, टोटल ऑफस्प्रिंग्स बने 160, अब उसमें से पूछा जाए कि होमोजाइगस डोमिनेंट कितने होंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए तो 1/4, 4 में कितने 1 होमोजाइगस डोमिनेंट, तो पूछा जाए 160 में कितने होंगे, तो 160 में हो जाएंगे ये 40। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की जाएंगी, उसके लिए ये पनेट स्क्वायर। फिर इसके बाद देयरफॉर टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट एट F2 मेंडल क्रॉस द प्लांट टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विद अ ड्वार्फ प्लांट, टेस्ट क्रॉस की बात की गई है। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, टेस्ट क्रॉस में जो F2 जनरेशन जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी ये यहाँ पर प्योर ब्रीडिंग होमोजाइगस टॉल, ये प्योर ब्रीडिंग होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंटल जनरेशन। अब F1 जनरेशन में क्या आएगा, यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, अब इनकी जब सेल्फिंग की जाएगी तो F2 जनरेशन में जो प्लांट्स बनेंगे वो F2 जनरेशन में कैपिटल टी वाले भी 1 होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 होंगे। तो अब ये जो डोमिनेंट का जीनोटाइप है वो कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन की वजह से है या हेट्रोजाइगस कंडीशन की वजह से है, इसको पता लगाने के लिए मेंडल ने ये टेस्ट क्रॉस निकाला था। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, F2 जनरेशन के जो डोमिनेंट फिनोटाइप वाले प्लांट्स हैं उनका किसके साथ, पेरेंटल जनरेशन में जो रिसेसिव प्लांट है उसके साथ क्रॉस किया जाएगा। तो अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट इसका अगर इसके साथ क्रॉस करेंगे तो सारे में टॉल मिलेंगे, लेकिन अगर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस किया जाएगा तो 50% टॉल होंगे और 50% डॉफ होंगे। तो इस रेशियो से हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा F2 जनरेशन में प्लांट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट की वजह से या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो ये टेस्ट क्रॉस। फिर नेक्स्ट दिया हुआ द प्रोजेनीज ऑफ सच ए क्रॉस कैन इजीली बी एनालाइज टू प्रोटेक्ट द जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म। इसके बाद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट एट F2। तो ये सही दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जीनोटाइप F2 में किस कैसा है, कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी। तो नेक्स्ट है हमारे साथ पैराग्राफ सर, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स, जैसे कि मैंने बताया था कि उनको एलील्स के बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने नेम क्या कर दिया था, फैक्टर। उन्होंने बोला था कि फैक्टर अकर्स इन पेयर, जैसे एलील्स आपके अकर होते हैं पेयर में, वैसे ही फैक्टर किसमें मिलते हैं, हमें पेयर में देखने को मिलते हैं। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। देखो क्या होता है कि जो फैक्टर डोमिनेंट होगा वो जो फैक्टर रिसेसिव है दबा हुआ है उसको क्या कर देगा, आने वाली जनरेशन में छुपा देगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, जैसे कि सर ने क्रॉस करके बताया था, जब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के बीच में क्रॉस कराते हैं तो सारे F1 जनरेशन में जो हमें प्लांट्स देखने को मिले थे वो सारे कैसे थे, टॉल। तो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था, टॉल, रिसेसिव कैरेक्टर क्या था, डॉफ। तो यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। Tall true breeding garden pea plant is crossed with a dwarf true breeding garden pea plant when the F1 plants were selved. The resulting genotypes were in the ratio. तो अभी जो जैसे बताया गया टॉल ट्रू ब्रीडिंग, तो मतलब ये होमोजाइगस टॉल हुआ तभी ये टॉल प्लांट्स हमेशा प्रोड्यूस करेगा, और ये ड्वार्फ होमोजाइगस रिसेसिव। अब यहाँ पर F1 जनरेशन में इनका क्रॉस होगा तो इस तरह का जीनोटाइप बनेगा, ये F1 हो गया। अब इसकी जब सेल्फिंग करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमिट्स बने,
यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि सेल्फिंग कर रहे हैं तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल डी स्मॉल टी कैपिटल डी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर वन टॉल होमोजाइगस हो गया, दो हेट्रोजाइगस टॉल हो गए और एक डॉर्फ हो गया। तो अब आंसर क्या हुआ, सी। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर इज गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, अगर आइदर ऑफ द पेरेंट्स को ऑफस्प्रिंग रिजेंबल करता है तो ये हो क्या होगा, ये डोमिनेंट होगा डोमिनेंस। अगर वो दोनों को रिजेंबल करता है पेरेंटल जनरेशन के दोनों करेक्टर्स को, तब ये क्या होगा, ये कोडोमिनेंस होगा। और अगर इन बिटवीन है, इन बिटवीन द टू पेरेंट्स, जैसे रेड और वाइट, और F1 जनरेशन में कैसा हो गया था, पिंक, तो ना ही रेड ना ही वाइट, तो ये कैसा हो गया, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात की जा रही है, एग्जाम्पल इसका ध्यान रखना है डॉग फ्लावर, या इसी को बोला जाएगा स्नैप ड्रैगन, या इसका साइंटिफिक नेम एंटीराइनम मेजस, इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन ए क्रॉस बिटवीन ब्रीडिंग ट्रू ब्रीडिंग रेड और वाइट के बीच में क्रॉस किया गया। F1 में ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पिंक होगा, और जब इसकी सेल्फिंग करेंगे तब ये फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम मिलेगा, रेड 1:2, 2:1। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, किस क्रॉस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम है, तो इसको ध्यान रखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके अलावा कोडोमिनेंस में भी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम मिलता है, 1:2, 2:1। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इन एंटीराइनम स्नैपड्रैगन ए रेड फ्लावर वॉज क्रॉस्ड विद ए व्हाइट फ्लावर इन F1 जनरेशन, ऑल पिंक फ्लावर्स वर ऑप्टेड। तो ये किसकी वजह से थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से। व्हेन पिंक फ्लावर्स वर सेल्ड F2 जनरेशन शोड व्हाइट रेड एंड पिंक फ्लावर्स, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये क्या होगा, ये हमेशा अप्लाई होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई, ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास सर कोडोमिनेंस, मतलब साथ साथ डोमिनेंस। F1 रिजेंबल, जैसे कि सर ने बताया, अगर आइदर ऑफ द पेरेंट्स को रिजेंबल करेगा, बोथ पेरेंट्स को, या फिर, तो उसको बोला जाता है डोमिनेंस। बिटवीन, इन बिटवीन रहेगा तो बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल द बोथ ऑफ द पेरेंट्स। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा ABO ब्लड ग्रुपिंग, ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन I। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड्स हैव अ शुगर पॉलीमर दैट प्रोट्यूड्स फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। अब जीन आई के 3 एलील हैं, याद रखना है, IA, IB एंड स्मॉल आई। द एलील्स IA एंड IB प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, व्हाइल एलील स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। फिर उसके बाद इसने बताया है कि बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स ईच पजेसेस एनी टू ऑफ द 3 एलील्स, दो ही एलील्स हो सकते हैं इसमें से। अब यहां देखते हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, बट व्हेन आई एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर्स, दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप में A के भी कैरेक्टर्स होते हैं, B के भी कैरेक्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद, Since there are 3 different alleles, there are 6 different combinations create होते हैं। ये याद रखना है, 3 different alleles से हमें combinations कितने मिल रहे हैं, 6। Of these 3 alleles that are possible, and therefore a total of 6 different genotypes are created in human blood grouping। तो ये चीजें याद रखनी है, बहुत important है, 2020 में भी यहाँ से question बना है। Identify the wrong statement। तो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स ABO ब्लड ग्रुप। द जीन आई हैज 3 एलील्स, सही है, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है ये। पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स, एक इंडिविजुअल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चूंकि होमोलोगस पेयर होगा, दो ही क्रोमोजोम है तो सेम लोकस पर दो ही जीन्स हैं तो 2 एलील्स बोला जाएगा, सही है। When I and IB are present together, they express same type of sugar. ये same नहीं, slightly different type of sugars है। Allelite does not produce any sugar, तो small I will not produce any sugar, सही है ये। तो आंसर हो जाएगा C।
The two alleles of a gene pair are located on homologous sites on homologous chromosome. Same locus पर homologous पे same gene के alleles present होंगे. तो ये statement दिया हुआ, ये पूछा भी गया था 2015-2016 में. और इसके बाद experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by T.H. Morgan and his colleagues. और इन्होंने किसका use किया था? Drosophila melanogaster. ये fruit fly है. और बच्चों को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का यूज किया क्यों था, क्या फीचर्स थे उसके अंदर कि उन्होंने ड्रोसोफिला का यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में. तो सर क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज डन बाय, तो क्या था आंसर बच्चा, टीएच मॉर्गन ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. सटन एंड बोवरी आर रिलेटेड विद, दिया था उन्होंने, क्रोमोसोमल थ्योरी बताई थी, लेकिन उसको प्रूफ किसने किया था? मॉर्गन ने. नेक्स्ट है हमारे पास सर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, एंड आई थिंक इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. 2016, 2013, 2022, 2015, 2010 और 2023, 2020 मतलब हर बार पूछा ही जाता है. यस सर. तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज क्या हुआ? फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम. एक ही क्रोमोसोम पर जो दो जीन्स सिचुएटेड है इनके साथ में रहने की टेंडेंसी होगी, तो इसी को लिंकेज बोला जाएगा. लिंकेज जितना स्ट्रांग होगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स जितना कम होगा, उतना ही रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी. जितना ज्यादा होगा डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज्यादा. तो मतलब ऐसे बोले कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन एंड डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन. मतलब जितना ज्यादा लिंकेज होगा रिकॉम्बिनेशन उतना कम, और जितना कम लिंकेज होगा रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा, मतलब डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए. तो दो क्लोजली एसोसिएटेड जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम है, यहाँ पर लिंकेज कैसा हुआ, स्ट्रांग हो गया. यहाँ पर लिंकेज कैसा हुआ, वीक हो गया. लिंकेज वीक है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हाई होगी. yes, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा है. तो इसको इस तरह से ध्यान रखना है, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, या इसी को क्रॉस ओवर वैल्यू भी बोलते हैं, या फिर इसी को डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स या मैप यूनिट्स, इस तरह से डिफरेंट तरीके से ये पूछा जाता है. तो वही चीज सर यहाँ पे भी गिवन है कि मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी द जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड. फिर उन्होंने बताया व्हेन द टू जीन्स इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम द प्रोपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस वर मच हायर देन दैट ऑफ नॉन पेरेंटल टाइप. मॉर्गन एट्रिब्यूटेड दैट दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द टू जीन्स एंड क्वाइंड द टर्म लिंकेज. फिर उसके बाद उन्होंने डिस्क्राइब किया है, नेक्स्ट हमें दिया है कि हिज स्टूडेंट, मतलब मॉर्गन के स्टूडेंट अल्फ्रेड यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन. उन्होंने फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का यूज किया था मैप यूनिट को निकालने के लिए बिटवीन जीन पेयर्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड मैप्ड देयर पोजिशन ऑन द क्रोमोसोम. तो ये साइंटिस्ट के बारे में आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनते हैं. Which of the following statement is not true of two genes that show 50% recombination frequency? 50% recombination frequency मतलब maximum recombination frequency इससे ज़्यादा possible नहीं है. The gene show independent assortment if the genes are present on the same chromosome, they undergo more than one crossover in every meiosis. The genes may be on different. The genes are tightly linked. तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर linkage is strong है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया, नॉट ट्रू. तो अगर 50% रिकॉम्बिनेशन है तो लिंकेज फिर जो होगा ये वीक होना चाहिए, वीक लिंकेज एकदम एक्सट्रीम एंड्स पर होंगी तभी ये पॉसिबल है, अगर दो जीन्स एक्सट्रीम एंड पर है. नेक्स्ट पैराग्राफ है सर हमारे पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है और प्लियोट्रॉपी एंड देन आफ्टर द सेक्स डिटरमिनेशन. तो अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करें तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, बहुत बार पूछा जाता है कि ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जाम्पल फॉर दिस. जैसे कि एक डार्क एकदम स्किन टोन होती है और एकदम लाइट होती है, उसके बीच की जितनी भी स्किन टोन्स होती है उनको बोला जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. एंड इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच
एलील, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव, मतलब सारे जीन्स का उसमें सारे एलील्स का क्या होता है फंक्शन बताया जाता है, होता है. प्लियोट्रॉपी, बच्चा प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, सच अ जीन इज नोन एज प्लियोट्रॉपिक जीन. नेक्स्ट है आपके पास सेक्स डिटर्मिनेशन, से सेक्स डिटर्मिनेशन दिया किसने था, हेंकिन ने दिया था 1891 में. उन्होंने बताया था कि इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व बाय हिम 50% ऑफ द स्पर्म, उन्होंने बात की थी ह्यूमन में, तो 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव दिस स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, वेयर एज द 50% ऑफ द स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट, और उन्होंने नाम क्या दिया था उसको, एक्स बॉडी, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस. तो सेक्स डिटर्मिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें होता है, तो किसमें होता है सर, ग्रास हॉपर में. फिर उसके बाद ZW, Z टाइप किसमें होता है, मेल हेट्रोगेमिटी, फीमेल हेट्रोगेमिटी. तो ये जितने भी पॉइंट्स दिए सेक्स डिटर्मिनेशन में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी अभी एड हो गया है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, तो ब्लड ग्रुप की अगर बात की जाए तो ये डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, जैसे आई ओ और स्मॉल आई, आई ए और स्मॉल आई, या आई ए और इसको आई ओ भी लिख सकते हैं इस तरह से अगर लिखा जाए. तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए, तो ये वाला एल जो जीन है वो इस पर डोमिनेंट है, ये इस पर डोमिनेंट है, या फिर आई बी जो होगा आई ए के साथ अगर हो तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो जाएगा. और यहाँ पर अगर एलील्स की बात की जाए तो एक एलील ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये मल्टीपल एलीलिज्म का भी एग्जांपल है. तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है सर हमारे पास मैचिंग. तो यहाँ पर पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक मतलब मेनी जीन्स गवर्निंग ए सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर. तो डी का पहला, और डी पहला सिर्फ इसमें दिया हुआ है, और बाकी के भी अगर हम लोग देख लें, डोमिनेंस इन हेटरोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, हेटरोजाइगस में सिर्फ एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दूसरा जैसे जैसे होगा तो वो डोमिनेंस, तो ए सेकंड हो जाएगा. कोडोमिनेंस जहां पर दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करें, तो बी का यहाँ पर थर्ड. इन हेटरोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ फुल्ली, जैसे आई ए और आई बी की अगर बात की जाए. और प्लियोट्रॉपी जहां पर सिंगल जीन इनहेरिटेंस इन्फ्लुएंसेस मेनी कैरेक्टर्स, जैसे फेनिलकीटोनुरिया इसका एग्जांपल है. यस सर. ग्रास हॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, मैम ने भी बताया आपको. और इसके बाद हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम बिसाइड्स द ऑटोसोम्स, वेयर एज फीमेल्स हैव ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स. तो फीमेल कैसी होंगी, यहाँ पर होमोगैमिटी शो करेंगी, ऑटोसोम्स होंगे अगर गैमिट बनेंगे तो, और ये गैमेट का जीनोटाइप हुआ तो यहाँ पर ऑटोसोम्स और एक्स सेक्स क्रोमोसोम. लेकिन अगर मेल की बात की जाए तो ऑटोसोम का तो पेयर होगा बट सेक्स क्रोमोसोम एक्स ओ, तो यहाँ पर हेट्रोगेमिट्स कौन बनाएगा, मेल. तो ये मेल और ये फीमेल, तो ये ग्रॉस ऑपर में अमंग द मेल्स एंड एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट बट इट्स काउंटर पार्ट इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर. तो ये दूसरी टाइप की मेल हेट्रोगेमिटी दी हुई है जिसमें एक्स वाई टाइप का क्रोमोसोम है, फीमेल में एक्स एक्स. तो फीमेल जो गैमेट्स बनाएगी वो सिमिलर होंगे, होमोगैमिटी शो करेगी. लेकिन अगर मेल के गैमेट्स देखे जाएंगे तो ऑटोसोम्स और प्लस एक्स होगा एक में, और एक टाइप में क्या होगा, ऑटोसोम्स और उसके साथ वाई. तो ये यहाँ पर मेल हेट्रोगैमिटी दो तरीके की, एक एक्स ओ और एक एक्स वाई. एक्स ओ टाइप का किसमें, ग्रॉस हॉपर में, और एक्स वाई ड्रोसोफिला में है और ह्यूमंस में प्रेजेंट है. और ZW टाइप सर अगर फीमेल हेट्रोगेमिटी की बात करें तो बर्ड्स में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट ईयर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन अदर मेल फ्रूट फ्लाइज हेट्रोगेमेटिक. इन मेल ग्रासहॉपर 50% ऑफ स्पर्म्स हैव नो सेक्स क्रोमोसोम. इन डोमेस्टिकेटेड फॉल सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग. तो गलत है क्योंकि फीमेल जो है, फॉल्स मतलब बर्ड्स, सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द स्पर्म रादर देन एग, ये गलत दिया हुआ है, इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि फीमेल हेट्रोगेमिटी है, फीमेल ZW टाइप और मेल जो होगा वो ZZ. तो ऑटोसोम्स के साथ अगर गैमेट बनेगा तो ऑटोसोम और जेड, ऑटोसोम और जेड ये सेम टाइप का हुआ, ये किसमें, मेल्स में. और फीमेल्स में ऑटोसोम के साथ एक में जेड जाएगा और एक में W,
तो ये डिफरेंट टाइप, तो फीमेल हेटरोगेमेटी होगी, एग डिसाइड करेगा ना कि स्पर्म। स्पर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ द जायगोटिक सेल वुड लीड टू द बर्थ ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड। नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड, तो 1X1Y क्रोमोसोम गलत हो गया, मेल चाइल्ड हो जाता, ओनली वन होता तो यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम हो जाता, तो 2X क्रोमोसोम, ये आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है सर पेडिग्री एनालिसिस, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में यहाँ से क्वेश्चन बना है जी। तो पेडिग्री इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट्स प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव, सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन सेवरल ऑफ जनरेशंस इज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस। इनहेरिटेंस को स्टडी करना पर्टिकुलर ट्रेट का पूरे फैमिली में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, डोमिनेंट की पेडिग्री है या रिसेसिव की पेडिग्री है, फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है, मतलब एक जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल दिखाया गया है लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में अगर अनअफेक्टेड है, तो ये क्या होगा, डोमिनेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये डोमिनेंट जीन होता तो ये इस जनरेशन में भी एक्सप्रेस होता, तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये रिसेसिव की पेडिग्री होगी, मतलब डोमिनेंट वाले ऑप्शन तो तुम्हारे कट हो गए। अब रिसेसिव में अगर देखा जाए तो रिसेसिव में दूसरी चीज सेक्स लिंक रिसेसिव हो सकता है या ऑटोसोमल रिसेसिव। अब सेक्स लिंक रिसेसिव अगर मान लिया जाए तो सेक्स लिंक रिसेसिव और ये फीमेल अफेक्टेड है, मतलब इसके पास जो जीनोटाइप हुआ वो ये वाला होना चाहिए। अब अगर यहाँ पर एक्स आर ये अफेक्टेड है तो ये एक्स क्रोमोसोम किसके पास जाएगा, सन के पास जाएगा, और सन हेटरोजाइगस कंडीशन में ही डिजीज को एक्सप्रेस करेगा, मतलब इसको अफेक्टेड होना चाहिए था अगर ये सेक्स लिंक रिसेसिव होता तो, लेकिन ऐसा है नहीं, इसमें क्या दिखाया हुआ है यहाँ पर, इसको अनअफेक्टेड दिखाया है, तो इस वजह से ये सेक्स लिंक रिसेसिव ना हो करके क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट फिर कलर ब्लाइंडनेस के बारे में दिया हुआ है और हीमोफीलिया के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014, 2012, 2013, 2016, 2020, 2012, 15, 16, 18 कई बार पूछा गया है। तो कलर ब्लाइंडनेस कैसा है, ये सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। इनहेरिटेंस पैटर्न सबका याद रखना, जो भी कंडीशंस दी हुई हैं, सेक्स लिंक रिसेसिव ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई, तो रेड या ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेशन में दिक्कत आएगी। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है तो सेक्स लिंक्ड है तो एक्स क्रोमोसोम पर होगा। इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ मेल्स एंड ओनली 0.4% ऑफ फीमेल्स, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन मेल्स में ज्यादा अफेक्ट करती, मेल्स को ज्यादा अफेक्ट करेगी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव फीमेल्स में कम होगा, प्रोबेबिलिटी कम होगी। पूछा भी जाता है किसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो मेल्स में ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसमें क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जीन अफेक्टेड होने चाहिए थे, और ऐसा बहुत रेयर है कि फादर के पास भी अफेक्टेड जीन हो, मदर के पास भी अफेक्टेड जीन हो, तभी हो सकता है, तो ये रेयर पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो मतलब ये कैरियर की तरह बिहेव कर सकती है। जी, तो इसके बाद फिर हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या है, सेक्स लिंक रिसेसिव ये भी कंडीशन है, इसमें जो क्लॉटिंग है उसकी ब्लड वो अफेक्टेड हो जाती है, और यहाँ पर हेट्रोजाइगस फीमेल में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन, द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल बिकमिंग ए हीमोफीलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, तो सेम यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि ये भी सेक्स लिंक्ड है हीमोफीलिया भी, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, रेयर, एट लीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफीलिक, और इसकी कैसी है, रॉयल डिजीज है ये, क्वीन विक्टोरिया को थी, शोज ए नंबर ऑफ हीमोफीलिक डिसेंडेंट। इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, कलर ब्लाइंड मैन मतलब यहाँ पर ये अफेक्टेड क्रोमोसोम हो गया, सेक्स लिंक्ड है ये इस तरह से XCY, और वुमन कैसी है, होमोजाइगस नॉर्मल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड, तो सन जो भी होगा उसको एक्स क्रोमोसोम कौन देगा, मदर देगी, और मदर के पास दोनों ही एक्स कैसे हैं, नॉर्मल है, इसका मतलब सन जो भी होगा उसके पास नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आएगा, मतलब उसके कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो, 0%।
विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स हीमोफीलिया, हीमोफीलिया को सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएटली किससे, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा गया है, रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है बट एक्स लिंक्ड रिसेसिव ये ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट है सर हमारे पास फिनाइल कीटोन्यूरिया, दिस इज अ इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म इन विच इनहेरिटेड आल्सो एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। अभी तक हमने दो बीमारियां पढ़ी हैं जो कैसी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, अब ये क्या है ऑटोसोमल रिसेसिव, द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स अमीनो एसिड फिनाइल एलिनिन इनटू ट्रायोसिन, एज अ रिजल्ट फिनाइल एलिनिन इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पाइरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स, accumulation of these in brain results in mental retardation, these are also excreted through urine because of its poor absorption by kidney. Thalassemia, this is also an autosomal linked recessive blood disease transmitted from parents to the offspring when both the partners are unaffected carrier for the gene or heterozygous. अब आपको बताना है comment section में कि थैलेसीमिया कितने टाइप की होती है और कौन कौन से क्रोमोसोम पे इनके जीन्स पाए जाते हैं। तो 2013 और 2020 में सेलेक्ट द करेक्ट मैच, हीमोफीलिया कैसा है ये एक्स लिंक्ड है गलत दिया हुआ है, फिनाइल कीटोनूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव है गलत हो गया, थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड थैलेसीमिया का 16-11 और इनपे सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट क्रोमोसोम नंबर 11, तो सी ऑप्शन सही है। सर एक हमारे में ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की भी बीमारी दी है, तो बच्चों को वो भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की बीमारी यहाँ पे कौन सी दी हुई है। नेक्स्ट है सर हमारे पास थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, तो हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा, तो सिकल सेल एनीमिया में कौन सा बीटा चेंज होती है वो अफेक्टेड होती है, और जो थैलेसीमिया है वहां पर क्या क्वांटिटी अफेक्टेड होती है ग्लोबिन की, दोनों ही हो सकती हैं, तो बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव डिफेक्ट गलत हो गया, एक क्वांटिटेटिव है एक क्वालिटेटिव है, सिकल सेल एनीमिया क्या है ये क्वालिटेटिव है और ये थैलेसीमिया क्या है क्वांटिटेटिव, तो थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस सही है, सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम गलत है, और बोथ आर ड्यू टू ए क्वालिटेटिव डिफेक्ट ये भी गलत है, तो 17th का क्या होगा बी बी। नेक्स्ट है सर ये हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, तो डाउन सिंड्रोम क्लाइनफेल्टर एंड टर्नर, तो डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी है क्लाइनफेल्टर भी ट्राइसोमी है लेकिन ये ऑटोसोमल ट्राइसोमी है और ये सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, यहाँ पर क्या है 47XXY और यहाँ पर होगा यहाँ पर भी 47 होगा लेकिन ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम 21 क्रोमोसोम उसकी ट्राइसोमी है, इसके अलावा इनके फीचर्स ध्यान रखने, लैंगडन डाउन ने खोजा था देखा था सबसे पहले, और पाम इज ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम ट्रीज, फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, फरोड टंग होगी पार्शियली ओपन माउथ होगा स्मॉल राउंड हेड और शॉर्ट स्ट्रेचर्ड, तो ये क्या होंगे डाउन सिंड्रोम मंगोल की तरह दिखते हैं मंगोलियन इडियोसी भी बोलते हैं इसको इडियट्स, फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम This genetic disorder is caused due to presence of an additional copy of X chromosome. Such an individual has overall masculine development. क्योंकि Y chromosome है तो ये क्या होंगे ये masculinity होगी with the feminine development gynecomastia. Development of breast in males तो उसको बोलते हैं gynecomastia condition तो वो present होगी और such individuals कैसे होंगे estrogen. Such a fit Turner syndrome तो ये monosomic condition है. मोनोसोमिक कंडीशन को हम लोग किस तरह से 2N-1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राइसोमी को 2N+1 से, तो यहाँ पर मोनोसोमिक एक क्रोमोसोम कम होगा वो और कौन सा वो कम होगा एक्स क्रोमोसोम, तो 45 विद XO सच फीमेल्स आर स्ट्राइल और ये कैसी होंगी फीमेल्स होंगी ये और ये स्ट्राइल है, फीचर ध्यान रखना है ओवरीज कैसी है रूडिमेंट्री है इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैव एन ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट गिनेकोमास्टिया एंड इज स्टेराइल, तो सर ने अभी बताया कि आंसर क्या हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम XXY कंडीशन, अ ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम तो कितना होगा 45 क्रोमोसोम होगा विथ एक्सो कंडीशन। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमंस ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ 22 21,
द थ्री कॉपीज ऑफ क्रोमोजोम 21. तो सर यहाँ पे 14 पैराग्राफ्स एंड 20 क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस कर दिए हैं. अब एनालाइज वर्सेस नीट का भी एक बार हम लोग देख लेते हैं. तो यहाँ पे क्रॉस पूछा गया है किसके लिए, सिकल सेल एनीमिया के लिए. तो यहाँ पे भी कई पेपर्स में सर सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया इन सबके बारे में पूछा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2022 का, एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. तो यहाँ पे भी सर हम लोग ने पूरे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पूछा था. नेक्स्ट है हमारे पास मेंडल स्टडीज. मेंडल कितने कैरेक्टर्स थे, कितनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटीज थी. फिर उसके बाद ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट आंसर तो नहीं बता देंगे. फिर उसके बाद रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सर, डिस्टेंट या जीन मैपिंग. नेक्स्ट है सर हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस. नेक्स्ट 2023 में देखते हैं. तो 2023 की बात करें तो प्लियोट्रॉपिज्म. नेक्स्ट है हमारे पास सर मैपिंग. तो मैपिंग के बारे में फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन पूछा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास क्लाइनफेटल सिंड्रोम डाउन, पूछे कैरेक्टर्स के बारे में. तो सेम टू सेम क्वेश्चन है. नेक्स्ट है सर हमारे पास ब्रॉड पाम विथ सिंगल पाम क्रीज. तो जैसा किसी ने बताया था डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम के भी सारे फीचर्स हम लोगों ने यहाँ पे पूछे. सेम टू सेम डाउन सिंड्रोम, पाम क्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर पेडिग्रीन एनालिसिस. तो पेडिग्रीन एनालिसिस के भी काफी क्वेश्चंस, और ये सारे सिंबल्स होते हैं पेडिग्रीन एनालिसिस के, हम लोग ने पूछे थे. तो यहाँ पे सर पूरा चैप्टर हम लोग ने अच्छे से डिस्कस कर दिया. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि हम लोग ने देखा सर 22 में भी 5 क्वेश्चन थे और 23 में भी इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे. तो बच्चों ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी 1 के हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और एनसीईआरटी 2 में भी यूनिट 6 हमारा पूरा हो चुका है, और यूनिट 7 का फर्स्ट चैप्टर, यूनिट 7 हमारी स्टार्ट हो गई है. यस सर. और जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो भी हम लोग जल्दी कवर कर देंगे आपके लिए. तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई होप यू आर लाइकिंग दिस सेशन. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.